नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड की मांग की और सेना ने RFI जारी की। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम सेल्फ प्रोपेल्ड ADGM सिस्टम SP की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI जारी किया। इस प्रणाली का उद्देश्य विकसित और गतिशील हवाई खतरों के खिलाफ मशीनीकृत संरचनाओं को करीबी हवाई रक्षा सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, भारतीय सेना के वायु रक्षा विभाग को एक मोबाइल टर्मिनल वायु रक्षा प्रणाली के रूप में ADGM ASIS SP की आवश्यकता है, जो विभिन्न इलाकों में काम करने में सक्षम हो और उनके युद्धाभ्यास और स्ट्रेटजिक ऑपरेशनल में अंतर्निहित हो। दोस्तों, RFI में उल्लेखनीय प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। दोस्तों, फर्स्ट है हथियार प्रणाली में सिंगल और दोहरे प्लेटफार्म पर स्थापित बंदूकों और मिसाइलों दोनों का संयोजन होना चाहिए, या तो ट्रैक किया हुआ या पहियेदार HMV 6x6 या HMV 8x8 होना चाहिए। दोस्तों, सेकंड है सिस्टम में एक कम रडार क्रॉस सेक्शन RCS 3D अधिग्रहण सह फायर कंट्रोल रडार सिंगल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम EO FCS और एक फायर कंट्रोल कंप्यूटर FCC शामिल होना चाहिए। दोस्तों, थर्ड है बंदूक दिन और रात दोनों ऑपरेशनल के दौरान फायर कंट्रोल रडार और EO FCS दोनों का उपयोग करने हवाई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, मिसाइल को अलग अलग प्रकाश स्थितियों के तहत EO FCS का उपयोग करके लक्ष्य को भेदने में भी सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, चौथा है सिस्टम को चलते समय लक्ष्यों को प्राप्त करने और ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए और आंदोलन के दौरान बंदूक के साथ और थोड़े समय के अंतराल दोनों मिसाइलों के साथ हवाई लक्ष्य को प्रभावी ढंग से निशाना बनाना चाहिए। दोस्तों, सिस्टम में लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर होवरिंग हेलीकॉप्टर सहित मानव रहित हवाई वाहन UAV मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV और क्रूज मिसाइलों को शामिल करने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों, RFI आगे निर्दिष्ट करता है कि कम RCS राडार डिजिटल बीम बनाने के साथ 3D सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ASR रडार पर आधारित होना चाहिए, जो ट्रैक व्हीकल स्कैन TWS जैसी बहुक्रिया क्षमताओं और जेमिंग वातावरण में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। राडार को 360 डिग्री निगरानी लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, मतलब राडार किसी भी जेमिंग स्थिति में जेम न हो और वह 360 डिग्री राडार काम करता रहे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त दिन और रात के संचालन सहित विभिन्न मौसम स्थितियों के दौरान हवाई लक्ष्यों की कोणीय ट्रैकिंग के लिए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होती है। सिस्टम में ट्रैकिंग के लिए एक थर्मल इमेजिंग TI दृष्टि एक ऑप्टिकल दृष्टि शामिल होना चाहिए। रेंज विवरण लेजर रेंज फाइंडर LRFA द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, ADGM ASIS SP को न्यूनतम 6500 मीटर की सीमा के साथ विभिन्न प्रकार के विमानों हेलीकॉप्टर हमलावर हेलीकॉप्टर UAV UCAV ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को शामिल करने में सक्षम होना चाहिए। सिस्टम के ASI खोज रडार को जिम्मेदारी के क्षेत्र के भीतर हवाई प्लेटफार्म की निरंतर त्रिआयामी मतलब 3D निगरानी प्रदान करनी चाहिए। यह लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर सहित UAV UCAV और क्रूज मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। राडार को TWS मोड में लक्ष्य को संबंधित करने 360 डिग्री निगरानी प्रदान करने और 6500 मीटर से कम दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है 7000 मीटर यानी 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर लक्ष्य आने वाले को ट्रैक कर सके और उन लक्ष्य को ट्रैक करके उसको समाप्त कर सके, ऐसी क्षमता एयर डिफेंस गन में होनी चाहिए। दोस्तों, इस एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम में ड्रोन सुसाइड ड्रोन UAV UCAV को मारने के लिए गन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और दोस्तों एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को मारने के लिए इसमें मिसाइल सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, उसको मिसाइल से शूट डाउन कर दिया जाता है। अगर दोस्तों हम ड्रोन को मिसाइल से इंटरप्ट करते हैं या मिसाइल सिस्टम से मार गिराते हैं तो हमको काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए दोस्तों भारत को ऐसे एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता हो जिसमें दोस्तों ड्रोन को जैम करने की कैपेबिलिटी भी हो और गन से उनको शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी हो, और दोस्तों उसके बावजूद अगर गन से कोई भी एनिमी शूट डाउन नहीं होता हो तो उसमें मिसाइल सिस्टम भी होना चाहिए ताकि उस मिसाइल से उस लक्ष्य को मार गिराया जा सके। इस तरह की कैपेबिलिटी के एयर डिफेंस सिस्टम की भारत को आवश्यकता है। दोस्तों, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले भी दोस्तों ऐसी RFI जारी की थी और उसमें से
दो एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को चयन किया था। एक तो था साउथ कोरिया का हनवा डिफेंस का K-30BO गन मिसाइल सिस्टम और दूसरा था दोस्तों रशिया का फेंसिर मिसाइल सिस्टम गन सिस्टम था। तो दोस्तों इन दोनों का परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान दोस्तों साउथ कोरिया के K-30BO को पास किया गया और रशिया का फेंसिर इस परीक्षण में पास नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये मामला विवाद में फंस गया। ये RFI 2020 में जारी की गई थी और उसमें सफलता न मिलने के कारण भारत ने वापस दोस्तों इस एयर डिफेंस गन के लिए RFI जारी की है। दोस्तों ये सब 5 बोलीदाताओं के साथ शुरू हुआ था, हालांकि केवल रूस और दक्षिण कोरिया ही परीक्षण चरण तक पहुंच पाए। रूस परीक्षण में विफल रहा, इस दक्षिण कोरियाई कंपनी मैदान में आ गई और एकल विक्रेता की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों ये डील करीब $3 अरब की है। हालांकि जो लोग परीक्षण में सफल नहीं हो सके वे रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच रहे हैं और दक्षिण कोरियाई कंपनी के खिलाफ चिंता व्यक्त की है। विभिन्न बैठकों में रूसी पक्ष द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में RFI में विनिर्देशों के गैर अनुपालन से संबंधित मुद्दों को इंगित कराया है और रूसियों ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित प्रणाली एक पीढ़ी पुरानी है और इसे तुरंत अपग्रेड करने की आवश्यकता है। दोस्तों रशिया का कहना है कि हमारा फेंसिर एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से अपग्रेड और फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है, जबकि साउथ कोरिया का हनवा का K-30BO एक ये पुराना सिस्टम है और इसमें जो रडार है वो भी पुराना है। और दोस्तों हनवा डिफेंस का कहना है कि हालांकि हनवा रक्षा अधिकारियों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक विशेष बातचीत में ऐसी रिपोर्ट का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि सिस्टम RFI हाइब्रिड BO में उल्लेखित विशेषताओं के अनुपालन में जो मूल BO मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली एक उन्नत संस्करण है, इसमें उन्नत फायर कंट्रोल क्षमता, नए सेंसर और अन्य बेहतर उपकरण शामिल हैं। वे कहते हैं कि इसके अलावा इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट फायर कंट्रोल सिस्टम भी है और सिस्टम ड्रोन और US सहित कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है, क्योंकि कुछ अन्य देशों में सिस्टम की बिक्री के लिए परीक्षण और मूल्यांकन सफलतापूर्वक किए गए थे तो अधिकारियों को जोड़ा गया है। दोस्तों सूत्रों के अनुसार कुछ कंपनियों ने दावा किया है कि जो प्रमुख मुद्दा उठाया गया था उसमें कहा गया है कि K-30BO फ्लाइंग टाइगर क्वीन 30mm शॉर्ट रेंज मोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम में कोई फायर कंट्रोल रडार नहीं है। यह भी इसने 2D डॉपलर रडार की पेशकश की है जो RFI के अनुरूप नहीं है और यह पुराना और अप्रचलित है। हालांकि स्वतंत्र मॉनिटर एक रिपोर्ट में अपने स्वयं के अवलोकन तैयार करेंगे। भारतीय सेना भी इस पर गौर कर रही है और कौन सा विकसित होने की प्रक्रिया में भारतीय सेना पहले अपने 1360 अप्रचलित बोफर्स L-17 40mm सिंगल बैरल और सोवियत युग के JDU-23 2.23mm ट्विन बैरल हथियार प्रणाली को बदलने की योजना बना रहा है। दोस्तों 2013 में एक वैश्विक निविदा के जवाब में उन्नत टंगस्टा प्रणाली अल्माज एंटे और पेंटिसिर को केपीबिल तुला प्रणाली द्वारा रूस से परीक्षण के लिए रखा गया था जो असफल रहा। दक्षिण कोरिया के हनवा डिफेंस हाइब्रिड BO प्रणाली पूरी तरह से अनुपालन में नहीं पाई गई, जिसे कंपनी इनकार करती है। दोस्तों भारतीय सेना का कहना है कि जैसा कि पहले बताया गया है कि भारतीय सेना के सूत्रों का मानना है कि रूस द्वारा पेश की गई प्रणाली के साथ साथ दक्षिण कोरियाई पक्ष पेश की गई दोनों प्रणाली में है। और दोस्तों भारत को ऐसे फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस गन की आवश्यकता है जो पूरी तरह से RFI के अनुसार हो। अब ये दोनों कंपनियां भारत को दोस्तों अपना फ्यूचरिस्टिक और अपग्रेड किया हुआ हनवा डिफेंस भी अपना K-30BO भारत को परीक्षण के लिए देगी और रशिया भी अब ये मौका खोना नहीं चाहता है, इसलिए अपने सिस्टम में कोई भी कमी है तो उसको निकाल कर अपग्रेड करके भारत को देगी परीक्षण के लिए। फिर भारत इनमें से किसी एक एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को चुनेगा और इस RFI में दोस्तों अब फ्रांस और जर्मनी भी भाग ले सकता है और जर्मनी का एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम बहुत ही हैं। तो भारत की RFI और भारत की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को चुना जाएगा जो दोस्तों आए दिन पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन का मुकाबला कर सकें और चाइना की तरफ से आने वाली मुसीबत का भी सामना कर सकें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।